आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल में इंस्टेंट मकई चिवड़ा। ये बहुत ही जल्द बन जाता है और ये देखिए आप, दिखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, उतना ही खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन में थोड़ा तेल गरम करेंगे। तो मैंने यहाँ पे हाफ पैन तेल लिया है और तेल को गरम होने देंगे और गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम पे रखेंगे। तो तेल गरम हुआ है कि नहीं चेक करने के लिए एक पोहा डाल के देखेंगे। तो ये देखिए ये ऊपर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो तेल है वो अच्छे से गरम नहीं हुआ है। तो अभी हम इसको थोड़ी देर और गरम होने देंगे और फिर से चेक करेंगे। तो ये देखिए ये जो मकई का पोहा है वो अच्छे से ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो तेल है वो अच्छे से गरम हो चुका है। तो अभी हम गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम पे ही रखेंगे और मकई के पोहे को फ्राई कर लेंगे। और ये जो मकई के पोहे है वो हमें तेल में बिल्कुल थोड़े थोड़े ही डालना है ताकि मकई के पोहे अच्छे से तेल में फ्राई हो जाए। तो इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए हमारे जो पोहे है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो इसे हम इस तरीके से निकाल लेंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर से सेम तरीके से थोड़े से मकई के पोहे को फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए दूसरी बार ना इसे टर्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तुरंत ये मकई का पोहा जो है वो फ्राई हो चुका है। और हाँ, इसी तरीके से मैं सारे मकई के पोहे को फ्राई कर लूंगी। और इसे हमें ऐसे टिश्यू पेपर पे निकालना है ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए और हमारा जो चूड़ा है वो ऑयली ना बने। और अभी हम इसी तेल में मूंगफली को फ्राई करेंगे। और तेल जो है वो हमारा ऑलरेडी गर्म था, तो गैस का फ्लेम जो है वो हम लो टू मीडियम के बीच में रखेंगे। और मैंने यहाँ पे एक कप मूंगफली लिए है, तो इसे हम तब तक अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि अच्छे से मूंगफली पक ना जाए और लाइट ब्राउन ना हो जाए। और मूंगफली जब पकती है ना तो वो फूटने लगती है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी मूंगफली है वो अच्छे से फ्राई हो गई है। और ये देखिए हमारी जो मूंगफली है वो अच्छे से ब्राउन हो चुकी है और अच्छे से भी फ्राई हो चुकी है। तो अभी हम इसको निकाल लेंगे। और इस टाइम पे ना मूंगफली की बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, तो इसे हम इस तरीके से निकाल लेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। और इस मूंगफली को भी हम एक टिश्यू पेपर के ऊपर रख देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। और अभी हम फिर से उसी तेल में रोस्टेड चना दाल फ्राई करेंगे। तो इसे फ्राई करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस इसे हमें अच्छे से हल्का लाइट ब्राउन होने देना है। और इसमें ना अच्छे से एक खुशबू भी आती है जब ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो ये देखिए ये हमारे रोस्टेड चना दाल जो है वो अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, तो इसे हम निकाल लेंगे। और मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज की कटोरी रोस्टेड चना दाल लिया था, यानी कि फुटाना दाना। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे और इस पैन में का तेल निकाल लेंगे और इसमें ना थोड़ा सा तेल बचा के रखेंगे। ये एक बड़ा चम्मच तेल होगा, तो इतना तेल हमें चाहिए। और गैस का फ्लेम जो है वो हम मीडियम पे कर देंगे और तेल को गर्म होने देंगे। और जैसे ही तेल गर्म हो जाता है तो हम सबसे पहले गैस का फ्लेम जो है वो लो पे कर देंगे। उसके बाद हम इसमें 5-6 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। तो ये स्पाइसी वाली हरी मिर्च है, बट अगर आपको स्पाइसी पसंद नहीं है तो आप कम स्पाइसी वाली भी हरी मिर्च ले सकते हो। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच सौंफ डालेंगे और 1 चम्मच साबुत धनिया डालेंगे। और इन सभी चीजों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अभी हम इसमें ताज़ा कड़ी पत्ता डाल देंगे। मेरे पास सूखा वाला कड़ी पत्ता नहीं था, बट अगर आपके पास सूखा वाला कड़ी पत्ता है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो अभी हम इस ताज़े कड़ी पत्ते को भी अच्छे से क्रिस्पी बनाएंगे। तो इसे हम अच्छे से तेल में फ्राई करेंगे। और ध्यान रखिए गैस का फ्लेम जो है वो हाई ना करे, नहीं तो हमारे जो ये मसाले हैं वो जल जाएंगे। तो इसीलिए इसको लो टू मीडियम के बीच में ही फ्राई कीजिए। और ये देखिए हमारा जो कड़ी पत्ता है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है और उसके साथ ही साथ हरी मिर्च, सौंफ और साबुत धनिया भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ऐसे ही कढ़ाई में छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो ये कड़ी पत्ता जो है वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाता है, तो उसे मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगी। तो ये देखिए हमने 200 ग्राम मकई का पोहा अच्छे से फ्राई कर लिया है। उसके साथ ही साथ 1 कटोरी मूंगफली और 1 मीडियम साइज कटोरी
रोस्टेड चना दाल। तो अभी हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और उसमें हम इन तीनों चीजों को डाल देंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे मकई का पोहा, उसके बाद डालेंगे हम रोस्टेड चना, और अभी हम इसमें डालेंगे मूंगफली, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे पीसे मसाले। तो पीसे मसाले हमें एकदम से नहीं डालना है, थोड़े थोड़े करके पीसे मसाले डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, तो थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, तो इसे भी हम थोड़ा सा ही डालेंगे, और इसके बाद डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच शक्कर। बट अगर आपको मीठा नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, नमक भी हम थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे शुरुआत में, और जो हमने कढ़ाई में मसाला फ्राई किया था वो डालेंगे। तो ये देखिए कड़ी पत्ता, देखिए कितना क्रिस्पी और कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, बल्कि मैंने ताज़ा कड़ी पत्ता लिया था। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारा कड़ी पत्ता जो है वो फ्राई हो चुका है। और अभी हम इसमें का 1/2 मसाला डालेंगे, और 1/2 मसाला बाद में डालेंगे। तो अभी मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, और मेरा जो बर्तन है वो छोटा हो गया है, तो मैंने वीडियो में ये वाला पार्ट मिक्स करने का स्किप कर दिया है। तो मैंने इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स किया है, और उसके बाद हम फिर से इसमें जो हमारे पीसे मसाले बचे थे वो डाल देंगे, नमक डाल देंगे, लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे बचा हुआ, और जो हमने कढ़ाई में मसाला फ्राई किया था वो डाल देंगे पूरा, और फिर से एक बार हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अगर हम पीसे मसाले इसी तरीके से चूड़ा में डालते हैं तो हमारा जो चूड़ा है वो बहुत ही टेस्टी लगता है, और पीसे मसाले भी जो है वो अच्छी तरीके से चूड़ा में मिक्स हो जाते हैं। और इसे मैंने दूसरे बर्तन में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, और ये देखिए हमारा बढ़िया सा चूड़ा बनके तैयार है। लग रहा है ना दिखने में अच्छा, उतना ही खाने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लगता है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।